अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम रिएक्टर डिज़ाइन को डिस्कस करेंगे कि जो भी हम रिएक्टर सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको डिज़ाइन करते हैं, तो उसके हम क्या इनिशियल स्टेप्स हैं जो हम उसके इम्पॉर्टेंट होते हैं, एसेंशियल होते हैं, जो स्टेप हमारे बेसिक या फंडामेंटल्स हो सकते हैं किसी भी रिएक्टर के सिलेक्शन और उसके डिज़ाइन में, जो हमारे डिज़ायर्ड आगे आउटपुट है उसको फुलफ़िल करे और हमारी जो नीड हैं वो उसको रिजल्ट्स को बेहतर करे उसके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो रिएक्टर है वो होता क्या, तो पर्टेनिंग जो ऊपर हमने लिखा हुआ है कि रिएक्टर डिज़ाइन केमिकल रिएक्शन पर्टेनिंग टू द केमिकल पेट्रोकेमिकल्स एंड ऑयल इंडस्ट्रीज आर परफॉर्म्ड इन स्पेशल लैबोरेटरीज कॉल्ड रिएक्टर। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जो भी हमारे पास एक वेसल या एक चैम्बर हम कह सकते हैं, जिस क्लोज चैम्बर कह सकते हैं, जिसमें हमारे पास केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस होता है, उसको हम रिएक्टर कहते हैं। वो कोई भी वो चीज़ होती है। अगर आप सिंपल से सिंपल एग्जांपल भी लेना चाहें ना, तो जो हमारा स्टमक है ना, उसमें जब हम फूड इनटेक करते हैं तो वो आगे डाइजेस्ट हमको उसको करते हैं, तो जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसको वो ब्रेक डाउन करता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, तो वो उससे हम एनर्जी यूटिलाइज करते हैं और उससे फिर आगे जो वेस्ट है वो हम एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से। ठीक है, तो वो उसको भी अगर सिंपल से एग्जांपल लें तो वो भी एक छोटा सा रिएक्टर ही है जिसमें हम स्मॉल केमिकल मेटाबॉलिक रिएक्शन करवा रहे होते हैं। ठीक है जी, जो हमारे फूड को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करता है, तो उससे हम आगे एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। ठीक है जी, फिर आगे है दीज आर द डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ रिएक्टर इंटेंडेड टू फेस एक्सट्रीमली वेरिएड ऑपरेटिंग कंडीशंस बोथ इन टर्म ऑफ द नेचर ऑफ द केमिकल स्पीशीज इन्वॉल्वड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शंस एंड ऑफ द फिजिकल कंडीशंस अंडर विच दे ऑपरेट। ठीक है जी, दस रिएक्टर टाइप्स रेंज फ्रॉम द लार्ज डायमेंशंस कंटिन्यूस रिएक्टर लाइक दोज अडॉप्टेड फॉर कैटलिटिक करेक्टिंग रिएक्शंस स्पेसिफिकली फॉर ऑयल रिफाइनरीज टू डिवाइस ऑफ द मॉडेस्ट डायमेंशन लाइक डिसकंटिन्यूस रिएक्टर इन विच फाइन एंड सेकेंडरी केमिस्ट्री रिएक्टर रिएक्शंस आर परफॉर्म्ड। मोर ओवर द रिएक्टर फॉर सोफिस्टिकेटेड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन एंड रिएक्टर ऑफ माइक्रोस्कोपिक डायमेंशंस माइक्रो रिएक्टर डिज़ाइन फॉर द बायोमेडिकल इंस्टॉलेशन। ठीक है जी, मतलब कि हम बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज़ में भी रिएक्टर यूज़ कर रहे होते हैं और छोटी से छोटी इंडस्ट्रीज़ में भी रिएक्टर यूज़ कर रहे थे। तो जहाँ भी हमें केमिकल रिएक्शंस की रिक्वायर्ड है, तो वहाँ हम केमिकल जो रिएक्टर है वो लाजमी यूज़ करते हैं। तो यूज़ करने से पहले उसका कोई ना कोई डिज़ाइन होगा, डिज़ाइन से पहले उसकी कोई ना कोई सिलेक्शन होगी, तो उसके हम मेजर पॉइंट देखेंगे आज। तो पहले तो हम देखते हैं रिएक्टर, फिर उसके फीचर्स, फिर उसकी एप्लीकेशंस। जो मेजर रिएक्टर है हमने उसको इस तरह के तीन पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ। पहले तो हो गया हमारा चीज़ CSTR, जिसको हम कंटिन्यूस स्टर्ड टैंक रिएक्टर कहते हैं, जिसमें कंटिन्यूस इनटेक हो रही थी, रिएक्शन हो रहा था, और कंटिन्यूसली उसकी आउटलेट होती है। ठीक है, कंटिन्यूस उसे प्रोडक्ट आउट हो रहा। ठीक है जी, उसके फीचर क्या होते हैं जी, फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, गुड मिक्सिंग ऑफ रिएक्टेंट्स, गुड टेम्परेचर कंट्रोल। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारे पास CSTR होता है, इसमें हम स्टेडी स्टेट पे प्रोडक्ट ले रहते हैं, मतलब कि इसमें 100% मिक्सिंग होती है और इसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट भी जो होता है, ग्रेडियंट तो नहीं होता, ज़ीरो होता है, और इसमें कंटिन्यूस मिक्सिंग की वजह से प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल में होता है। ठीक है जी, अब आगे इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। ये एप्लीकेशन ऑर्गेनिक रिएक्टेंट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल और फाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें यूज़ होता है ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड प्रोडक्शन, बेंजीन सल्फोनेशन एसिडिफिकेशन एंड दिस एंड दैट। फिर उसके बाद आता है जी ट्यूबुलर रिएक्टर। ठीक है जी, ट्यूबुलर रिएक्टर जिसको हम PFR भी कह सकते हैं, प्लग फ्लो रिएक्टर, उसमें हमारे पास एक प्रोफाइल बन जाती है, तो उसका रेडियली उसकी प्रोफाइल में जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है वो सेम होती है, एक्सिलरी अगर देखें तो उसको वो डिफरेंट होती है। उसके बाद होती है ट्रिकल बेड रिएक्टर, उसके बाद है हमारे पास
तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट बाकी वीडियो में देखते हैं।